नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज में। जानते हैं क्या है आज की ताजा खबरें। दिल की बीमारी के चलते पिछले एक हफ्ते से मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट अस्पताल में भर्ती एक्टर और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर को आज अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अस्पताल से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि सुनील को आज मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट से छुट्टी मिल गई है। बता दें कि दिल संबंधी गंभीर बीमारी के चलते 27 जनवरी को सुनील ग्रोवर की हार्ट सर्जरी की गई थी। वह अच्छी तरह से ठीक हो गए हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 96 रन से हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में बनाई अपनी जगह। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 96 रन से हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारतीय टीम ने लगातार चौथी और ओवरऑल 8वीं बार इस टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में एंट्री की है। अब 5 फरवरी को होने वाले फाइनल में भारत अपने 5वें खिताब को हासिल करने की इच्छा लिए इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। बता दें कि भारत अब तक 4 बार खिताब को अपने नाम कर चुका है, सन 2000, 2008, 2012 और 2018। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 3 बार ही खिताब जीते हैं। भारत के पास 5वीं बार खिताब जीतने का मौका है। वेस्टइंडीज के खिलाफ 6 फरवरी से शुरू होने वाले वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले वनडे सीरीज से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के 8 खिलाड़ी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन खिलाड़ियों में से 4 का नाम अभी सामने आया है, जिसमें शामिल हैं शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर और नवदीप सैनी। फिलहाल बोर्ड ने इंडियन स्क्वाड में मयंक अग्रवाल का नाम शामिल किया है। इसके अलावा कुछ और नामों का ऐलान जल्द ही किया जा सकता है। अभी टीम इंडिया अहमदाबाद में है, जहां उसे पहला वनडे 6 फरवरी को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलना है। विराट कोहली को वनडे की कप्तानी से हटाए जाने के बाद रोहित शर्मा की बतौर फुल टाइम वनडे कैप्टन ये पहली सीरीज होगी। धन्यवाद।